अस्लम जाए, मुर्दाबाद, अस्लम जाए, मुर्दाबाद, अस्लम जाए, को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जाए को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जाए को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अस्लम जाए को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अस्लम जाए को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अस्लम जाए को फांसी दो, फांसी दो, मुर्दाबाद, 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 अलीगढ़ में जो दर्दनाक हादसा हुआ है 3 साल की बच्ची के साथ, जो दो जिहादी हैं असलम और जाहिद, उनके विरोध में हम लोग यहाँ पे पुतला दहन करने आए हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इन जिहादियों को फांसी की सज़ा दी जाए। इनके लिए कोई भी कहीं भी किसी से बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हम आज बजरंग दल कार्यकर्ता विश्व परिषद के यहाँ पे पुतला दहन करने आए हैं और मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि इन दोनों को फांसी की सज़ा दी जाए और इन्हें बीच चौराहे पे दी जाए फांसी की सज़ा। ऐसे जब तक इन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी चौराहे पे, तब तक ऐसे कामों पे लगाम नहीं दी जा सकती और ये चलता रहेगा। हम बजरंग दल कार्यकर्ता चाहते हैं कि इन दोनों जिहादियों को बीच चौराहे पर फांसी दी जाए। ऐसे कब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का नारा लगाते रहेंगे? जब बेटी बचेंगी तब तो पढ़ा पाएंगे। अगर 2.5 साल की बच्ची के साथ ऐसे कुकर्म होते रहेंगे, ऐसे कार्य होते रहेंगे तो कब तक हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा रहें? जब बेटी बचेंगी नहीं तो हम उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आगे लाएंगे हमारी बच्चियों को और कैसे सुरक्षा होगी उन बच्चियों की? मासूम बच्चियों के साथ अगर भारतवर्ष में ऐसा अन्याय होगा, ऐसा अपराध होगा, 2.5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार मारना ये आम बात हो गई है। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा अगर आपके बस की नहीं हो तो जनता को सौंप दें, हम उनके लिए फांसी की सज़ा देंगे, लेकिन ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग हिंदुत्व हैं, ये हिंदुओं पर वार किया है, पूरे हिंदुस्तान पर वार किया है 2.5 साल की बच्ची के साथ अपराध करके। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा अगर सरकार नहीं देगी तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और पूरा हिंदुत्व